अस्सलामुअलैकुम। आई होप अब सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इजिप्ट के टूरिस्ट वीज़े के बारे में है। ऐसा पाकिस्तानी, आप इजिप्ट का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, इन सब की डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। आपने एक डॉक्यूमेंट्स की ना फाइल प्रिपेयर करनी होती है। ये डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी ने चेकलिस्ट प्रोवाइड की हुई है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं ये सारी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर देंगे, देन इसके बाद ना फर्दर दो तरीके होते हैं। या तो डायरेक्ट आप वीजाट्रॉनिक्स को जमा कराएंगे। वीजाट्रॉनिक्स बेसिकली एक ड्रॉप बॉक्स है। आप एम्बेसी से डायरेक्ट लिंक नहीं होते। इजिप्ट की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में है वो वीजाट्रॉनिक्स के थ्रू आपकी जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, वो रिसीव करती है और उन्हीं को ही आपका वीज़ा वगैरह देती है। आप देन उनसे वापस ले सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और वीजाट्रॉनिक्स के ऑफिस में चले जाएं और उनको फाइल जमा कराएं, वो आपका बेसिकली आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने होते हैं, फाइल आपकी कंप्लीट हो ही होती है, तो फिर आपने ना एक ट्रैवल एजेंट बेसिकली आपको चाहिए होता है। ट्रैवल एजेंट को आप जाके जमा कराते हैं। वो ट्रैवल एजेंट जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखता है, वेरीफाई करता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में अटैच कर देता है। देन वो जब आपकी फाइल वेरीफाई कर लेगा और फर्दर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेगा, देन वो आपको दोबारा फाइल जो है वो दे देगा। अब आपने जाके वीजाट्रॉनिक्स के ऑफिस जाना है और वो फाइल जमा करानी होती है। तो इट्स मीन वीजाट्रॉनिक्स ही है जिसके थ्रू आप ना अपना इजिप्ट का वीजा ले सकते हैं। अब वीजाट्रॉनिक्स के ऑफिस कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से ट्रैवल एजेंट हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी जो कॉन्टैक्ट हुआ ट्रैवल एजेंट से, उनसे मैंने कुछ क्वेरीज थी वो पूछी, जो क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनकी ऑडियो भी मैं इस वीडियो में अटैच कर देता हूँ ताकि आप उससे फायदा हासिल कर सकें। देन जो मेरी कन्वर्सेशन हुई बाय ईमेल विद एम्बेसी, उन्होंने मुझे एक फॉर्म भी भेजा और डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी भेजी, वो चेकलिस्ट भी आपको बता दूंगा। और जो ट्रैवल एजेंट से मेरा बेसिकली कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने मुझे फी वगैरह बताई और प्रोसीजर बताया और डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी उन्होंने भी बताई, वो सारी डिटेल मैं अब आपको बता देता हूँ। तो चलें आप अपने पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं सारी डिटेल जो है आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। मैंने ना एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है मुझे एम्बेसी की तरफ से जो ईमेल आई और जो एजेंट से जिनसे मैंने बात की, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे बताए उनको मैंने एक फ़ाइल कंपाइल की। और ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपने ना प्रिपेयर करने होते हैं और उसकी फ़ाइल बनानी होती है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है फुल कंप्लीट जो है वो साइंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा कराना है। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप वीजाट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको मैं अटैच कर देता हूँ, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बेसिकली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मुझे इजिप्ट एम्बेसी इस्लामाबाद ने सेंड की थी। यहाँ पे आपने एक फ़ोटो अटैच करनी है, वो उसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये सारी डिटेल जो है आपने ये फिल करनी होती है। फिल करके यहाँ पे लास्ट में आपने साइन करने होते हैं और यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करनी होती है, डेट लिखनी होती है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने उस पर एक पिक्चर भी स्टेपल करनी होती है। सेकेंड नंबर पर जो है वो 2x2 इंच की आपने वाइट बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो बेसिकली साथ अटैच करनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म पे, और एक साथ वैसे ही आप अटैच कर दें। आपने ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ हो वो, और उसकी दो कॉपीज़ जो इंफॉर्मेशन पेज की दो कॉपीज़ होती हैं वो आपने साथ अटैच करनी होंगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, 6 मंथ लिखा हुआ है, कोई 3 मंथ बताता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप 6 मंथ की बेसिकली बैंक स्टेटमेंट लगाएं, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। कॉपी अगर आप लगाएंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपने ओरिजिनल जो है अपनी बैंक से जाके निकलवानी है और उस पर 6 मंथ की हो, प्रेफरेबल 3 मंथ की भी आप अटैच कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर जो है वो है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस कवरिंग लेटर, या इसको सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये भी आपको ओरिजिनल होना चाहिए, उसी बैंक से मिलेगा जिसमें आपका अकाउंट होगा। इसके बाद जो है वो पोलियो सर्टिफिकेट और डेंगी रिपोर्ट
और एक वैक्सीनेशन होती है, मैंडेटरी नहीं है। कोई जो है ट्रैवल एजेंट आपको बताता है, कोई कहता है कि चाहिए, कोई कहता है नहीं चाहिए, तो आप डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो DHQ हॉस्पिटल जो भी आपके नियर बाय है वहाँ से आप ले सकते हैं, पोलियो सर्टिफिकेट, डेंगी रिपोर्ट, और ये एक बेसिकली वैक्सीनेशन होती है वो आपने बेसिकली करानी होती है, लेकिन इसका मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद जो है वो 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, अगर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं काम कर रहे हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स आपने उस फाइल में अटैच करनी है। देन उसके बाद जो है वो है एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने अटैच करना है, उस पर आपने मेंशन कराना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं और आपकी एनुअल सैलरी कितनी है और कंपनी आपको अलाउ कर रही है कि आप इजिप्ट टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं और आप दोबारा वापस आके अपनी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखवाएंगे। उसके बाद आप एक कवर लेटर भी अटैच कर सकते हैं, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, उसमें आप टू द एम्बेसी लिखेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीज़ा लेना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है होटल बुकिंग्स, ये आप डमी टिकट्स डमी बुक करा सकते हैं होटल्स और booking.com, agoda.com से। इसका तरीका मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद रिटर्न एयर टिकट्स आपने सबमिट करानी है, रिटर्न एयर टिकट्स भी आप डमी कराएं और कोई कंफर्म कराने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका वीज़ा आ जाए देन आप कंफर्म टिकट्स करा सकते हैं। इसके बाद जो है FRC चाहिए होते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिल जाएगा। और जो लास्ट में है वो NTN नंबर होता है, अगर आप जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस है आपका तो आप NTN बेसिकली FBI पर रजिस्टर्ड होंगे, वहाँ पे आपने NTN नंबर उनको शो करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली आपको चाहिए होते हैं। अब जो मुझे ईमेल आई थी एम्बेसी की तरफ से, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे बताए थे उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे ना एम्बेसी की तरफ से ईमेल आई थी, उसमें ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ना मेंशन किए हुए थे, ये देख लें। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बताया हुआ उसने, पासपोर्ट बताया हुआ जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ हो, फोटो कापीज ऑफ फर्स्ट 2 पेजेस की फोटो कापी आपने अटैच करनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में, रिटर्न एयर टिकट्स बुकिंग होनी चाहिए, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की इन्होंने कहा हुआ है, होटल रेजर्वेशन बताई हुई है ओनली बुकिंग, और HR की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो मैंने आपको बता दिया वो। उसके बाद NTN नंबर हो गया, और इसी तरह बाकी ये देख लें, हमसे लिंक नहीं कर रही। इसके बाद जो है वो पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और डेंगी टेस्ट रिजल्ट इन्होंने बताया हुआ, ये आपने बेसिकली कंपलसरी है आपका ट्रैवलिंग टू इजिप्ट के लिए। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 1 फोटोकॉपी सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑन द A4 पेज पे आपने अटैच करने हैं। अच्छा, एप्लीकेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 4 वीक्स, उन्होंने कहा है, कहीं 8 वीक्स कहते हैं, कहीं 4 वीक्स कहते हैं, तो आपने ये भी बेसिकली जो है फॉर्म जो है यहाँ पे साइन करके एंड पे और डेट वगैरह लिख के, ये भी आपने बेसिकली चेक लिस्ट उन्होंने दी हुई है, ये भी बेसिकली आपने सबमिट करानी है। तो अब ये डॉक्यूमेंट जो है मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर हैं वो आप फुलफिल कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा कॉन्टैक्ट हुआ ट्रैवल एजेंट से, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बताया है उनका भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक ट्रैवल एजेंट है yugo.pk, उन्होंने मुझे बताया कि आल पासपोर्ट 4 पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में, CNAC एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर, ये एम्प्लॉयमेंट लेटर में आ जाएगा, इसमें लिखवा देंगे आप लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, पोलियो कार्ड, IPV कार्ड, मतलब ये डेंगी का टेस्ट होता है, फीवर, ये भी ऑलमोस्ट सेम, दोनों सेम चीज़ें। इन फी मुझे 7000 कंसल्टेंसी फीस बताइए, और 6300 एम्बेसी की फीस होगी, उसमें विजाट्रॉनिक्स की फीस भी एडिड है। इस तरह एक और ट्रैवल एजेंट हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपने डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल पासपोर्ट, NIC 2x2 साइज़ की फ़ोटो बैकग्राउंड, ये उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस जो है 4 to 5 lakhs, NTN नंबर, अपॉइंटमेंट लेटर, FRC, पोलियो एंड डेंगी, ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपने उसकी फाइल प्रिपेयर करनी है। ये मेरी ना एम्बेसी को मैंने ईमेल की थी, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया था, उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स मुझे अटैच करके भेजे, एक चेकलिस्ट और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म। ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक अटैच कर देता हूँ, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जब आपकी फाइल प्रिपेयर हो जाएगी तो फिर आपने जो है 2 तरीके होते हैं, या डायरेक्ट आप चले जाएँ वीज़ाट्रॉनिक्स, ये आप देख सकते हैं वीज़ाट्रॉनिक्स
बेसिकली मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सखर, मुल्तान, सियालकोट, पिशावर, हैदराबाद, मीरपुर खास, क्वेटा। इनकी ईमेल्स, आईडी और फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इनके ऑफिस डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। मैं आपको विजाट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, उन्होंने एक फॉर्म वगैरह दिया हुआ है और चेकलिस्ट वगैरह दी हुई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने विजाट्रॉनिक्स गूगल पर सर्च करना है, ये विजाट्रॉनिक्स पाकिस्तान डैश वीज़ा आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप टॉप राइट पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जो है वो इजिप्ट को क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड फॉर्म्स में आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है और ये चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप बॉटम पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताई हुई, ये भी आपने फॉर्म बेसिकली साइन करके साथ में अटैच करना है फाइल के। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपनी फाइल जो है वेरीफाई कराना चाह रहे हैं और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये दो ट्रैवल एजेंट हैं, इनसे मेरी कांटेक्ट हुआ, ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, इनके नंबर आप दे सकते हैं, ये हाईलाइट है रेड कलर में और येलो में देख सकते हैं आप। सबसे पहले जो है वो योगो डॉट पी के है और इनका ये नंबर है, आप इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद प्रीमियो ट्रैवल्स एंड टूर्स है, इनसे भी मेरा कांटेक्ट हुआ, ये उनका कांटेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे भी उनको कॉल कर सकते हैं। वो आपको कंसल्टेंसी फीस लेंगे 7,000 और तकरीबन 6,300 जो टोटल फीस है एम्बेसी की, इसमें इंक्लूडिंग जो विजाट्रॉनिक्स की भी, इसमें इंक्लूडिंग विजाट्रॉनिक्स की फ़ी जो है वो 6,300, 1,300 उनकी है बेसिकली, 500 एम्बेसी लेती है, तो 6,300 जो एम्बेसी की फ़ीस प्लस विजाट्रॉनिक्स की और 7,000 ये जो है ट्रैवल एजेंट वगैरह ले लेते हैं, 6,000 7,000 आपसे, तो आप इनके थ्रू भी करा सकते हैं। इनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर सकते हैं या फिर आपको फाइल जो है उनके ऑफिस में जाकर जमा करा सकते हैं, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, देन अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आप वो बता देंगे। तो जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम है, जैसे मैंने बताया, 4 मिनिमम वीक्स है और मैक्सिमम जो है 8 वीक्स तक आपको लग सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। खालिद नवाज बात कर रहा हूँ। मैंने इजिप्ट वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मुझे अप्लाई करना चाह रहा जी हूँ मैं। जी सर पूछे। जी तो आप लोग इजिप्ट वीज़े को डील करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, तकरीबन सही है, तो इसको, हमारे 20 से 40 तो इसी मंथ लग गए हैं अभी तो। अच्छा इजिप्ट का वीज़ा, ठीक है, इसका मुझे थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें और आपके थ्रू करवाना हो मुझे तो क्या सर जी बता। थोड़ा समझिए, आप ब्रीफ करें कि आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा जॉब करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको मिलते हैं, एन ओ सी और एम्प्लॉयमेंट लेटर? जी कवर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर तो मिल जाता है जी, एम्प्लॉयमेंट लेटर। जी एन ओ सी लेटर भी आपको चाहिए होगा, जिसमें बस तो यही उन्होंने लिखा होगा कि आप उनकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आप जाना चाह रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है। अब वो अगर एम्प्लॉयमेंट लेटर में ही लिखवा दूं, क्योंकि मैं ना पहले तुर्की ट्रैवल कर चुका हाँ हूँ। जी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, अच्छा लिखवा दें वो एम्प्लॉयमेंट लेटर में। ठीक है, जी, ठीक है, सही है। एक तो और ये, दूसरा लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। जी ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में फिर मैं कितनी अमाउंट होल्ड होनी चाहिए मेरी? मतलब तकरीबन से आप लगवा लें, आप अगर अकेले जा रहे हैं तो 5 लाख बहुत है। जी ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा? लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपका CNIC पास, तमाम पुराने नए पासपोर्ट। ओरिजिनल ठीक चाहिए है, होंगे या कॉपी? ओरिजिनल तो आपने साथ लेके जाना है, उसकी जो आपने यूज पेजेस है ना, आपको अगर किसी जगह को ट्रेवल हुआ हुआ है या वो, तो उसकी जी यूज पेजेस की कॉपी हमें चाहिए होती है। इसके अलावा आपके मतलब पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की और सिग्नेचर पेज की तो मस्त है। जी ठीक हो गया, सही है। ठीक है, एक तो ये, दूसरी तीन फोर पिक्चर चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, लेकिन आपने उसमें ब्लैक कपड़े नहीं पहने। जी ठीक है, साइज वगैरह उसका कितना मैं बनवा मैं के? साइज आपको बता देती हूँ, 2x2 है उसका, अच्छा 2x2 इंच व्हाइट बैकग्राउंड में, ब्लैक व्हाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक बैकग्राउंड। हाँ है जी, जी। ब्लैक कपड़े। और उसके अलावा पोलियो कार्ड, ठीक पोलियो सर्टिफिकेट? जी ठीक है। है जी। इसके अलावा येलो फीवर, वो जो डेंगू का टेस्ट होता है ना, डेंगू टेस्ट। ठीक है, उसको येलो फीवर कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसको येलो फीवर कहते हैं, डेंगू टेस्ट आपने करवाना। और इसके अलावा एक कार्ड बनता है IPV वैक्सीन, IPV वैक्सीन होती है ये। ये क्या चीज़ है?
ये ना एक समझ ले कि वैक्सीन थी कि मतलब कुछ सालों पहले ना इजिप्ट में कोई वायरस टाइप कुछ आया था, बहुत साल पहले। तो उसके बाद से उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रख दी हुई है कि ये उसकी वैक्सीन, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन है ना, ये जो भी मॉडर्ना कुछ भी लगाते हैं, तो ये वहां पे कोई फ्लू टाइप, कोई फ्लू टाइप की कुछ मतलब आया था ऐसा इन्फेक्शन बहुत साल पहले। तो वो उसके बाद से उन्होंने उसकी ये रिक्वायरमेंट बना दी हुई है कि ये एक इंजेक्शन होता है हेक्सासेम, ठीक है। उस अच्छा इंजेक्शन के वो लगवाना होता है, उसके अंदर से ना स्टिकर निकलता है छोटा, ठीक ठीक है है। तो वो स्टिकर जो है वो कार्ड पे, जैसे पोलियो कार्ड बनता है ना, पोलियो सर्टिफिकेट येलो, इसी जी। तरह का कार्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनता है, डीएचयू हॉस्पिटल या कहीं से, उस पे वो स्टिकर पेस्ट होता है, तो वो आईपीएल कार्ड होता है ये किसी भी और 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो वो आप एक बार अगर लेके जाते हैं तो दोबारा आप फिर यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये DHQ हॉस्पिटल कहीं भी मैं चला जाऊँ मिल जाएगा ये? हाँ जी, कहीं पर भी बिल्कुल। मैं आपको उसकी अच्छा पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, वो हाँ आप जी देख लीजिएगा। जी फिर मैं ना उस लिहाज से वो लगा दूंगा डॉक्यूमेंट जी। इसके जी अलावा जी इसके अलावा आपकी FR से चाहिए होती है, FR से कैंपस, हाँ जी ठीक है, FRC जी ठीक है इसके अलावा कुछ नहीं। जी ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ऑफिस में आना होता है? सर सबसे पहले आपने तो अगर ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने स्कैन फॉर्म में मुझे ईमेल कर देते हैं, ठीक है ठीक है। और साथ में जो ये इसकी जो पेमेंट है वो आप, हम लोग, मैं आपको फीस की बता दूँ, 7,000 हम चार्ज करते हैं आपके जी फाइल का, जिसमें आपकी ऑब्वियसली जो जिपका वीजा ना ये विदाउट गारंटी नहीं होता, तो हम अपनी कंपनी के लेटर हेड को और कंपनी के डॉक्यूमेंट साथ भिजवाते हैं कि ये आप हमारे ट्रस्टेड क्लाइंट है और आप जाना चाह रहे हैं और आप वापिस आएंगे, जी ठीक है सही है ठीक है। इसके बाद आपको जब फाइल मिलेगी तो आप खुद ही देख लेंगे, साथ इसके मतलब आपकी होटल बुकिंग, ट्रैवल आइटनरी, टूर प्लान, ये सब चीजें ऐड होती है, एक मुकम्मल फाइल होती है इसकी, फॉर्म वगैरह भी। जी। ठीक है, ये मैं ये फिर आप जी स्कैन करके जी, ये आपको आपको मैंने, हाँ जी जी बताइए बताइए स्कैन करके आपको ईमेल करूंगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। इसके बाद क्या जी, प्रोसीजर होगा फिर? जो ओरिजिनल चाहिए होंगे ना, जो ओरिजिनल, जी वो हम साथ में आपको अटैच कर दूंगी। वो आप अगर ऑफिस आके लेना चाहते हैं अपने फाइल, तो ऑफिस आके ले जाएगा, नहीं अगर आप TCS करवाना चाहते हो तो मैं आपको TCS करवा दूंगी। फिर ठीक जो है आपको फाइल मिलेगी ना, उसमें आपने पोलियो कार्ड, जी ठीक अपना है वैक्सीन कार्ड, ये IPV कार्ड और डेंगू फीवर, ये लास्ट 6 मंथ की बैंक, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। वो जरा आपको पता है कि वो चाहिए होती है, मतलब अपडेटेड चाहिए होती है, जी लेकिन जी पुरानी नहीं चलती, न्यू चाहिए रिसेंटली। तो आप जब एक दिन पहले आपने वो निकलवानी है, ठीक ठीक है। ये अकाउंट मेंटेनेंस है। जी सर्टिफिकेट भी इंक्लूड होगा इसमें या वो नहीं? जी गवर्नमेंट, जी, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि जी ठीक हो गया। ये सबमिट होता है TCS, TCS वीजा ट्रॉनिक्स, ठीक है। अच्छा ये है वहां पे आपने जाके अपना केस सबमिट करवाना ये मैं खुद एम्बेसी या कंसुलेट इनके नहीं जा सकता अगर आपसे फाइल है, आप बनवा खुद लूँ? जाएंगे ना, अच्छा आप नहीं खुद नहीं जाएंगे, आप खुद ही आप जाएंगे TCS में। हाँ नहीं, DCS में जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ एम्बेसी अगर मैं जाना जी चाहूँ। सर जी, एम्बेसीज की होती नहीं ना, इसकी अच्छा एम्बेसी इजिप्ट की यहाँ पे है नहीं। आप, इन्होंने ड्रॉप बॉक्स इनके पास है वीजा ट्रॉनिक्स, वहाँ इजिप्ट वालों की ही वो लगा हुआ है, अच्छा वहां पे जाके सबमिट होता है, ये एम्बेसीज पे नहीं है अच्छा एम्बेसीज इधर। पे नहीं है जी। ठीक है जी सही हो गया। मुझे आप व्हाट्सएप पे, मैं ना आपको फिर वो कर देता हूँ, नाम वगैरह सेंड कर देता हूँ, आपको किया भी हुआ है मैंने, हाँ ठीक है, दोबारा मैं कर देता हूँ चलिए मैं देख लेती हूँ, ठीक जी। फिर मैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के मुझे ईमेल भी शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। उसके बाद चलिए फिर मुझे ठीक है। आप, जब फाइल आपकी आपकी तरफ से रेडी हो जाएगी मैं पिक कर लूंगा। आपका ऑफिस कराची में है या लाहौर में है? चल लाहौर में हमारा लाहौर ऑफिस, में, मैं फिर लाहौर से पिक कर लूंगा आपकी फाइल वगैरह, ठीक है उसमें डॉक्यूमेंट ठीक है अटैच करके सर, फिर मेरे वीजा ट्रॉनिक्स में सबमिट जी करा मैं दूंगा उसके ऊपर चेक लगा दूंगी। जब नहीं आए तो आप आएंगे तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी क्या क्या ऐड करना है, ठीक जी। है। आपने बस सेवन आपने अपने थाउजेंड डॉक्यूमेंट्स, जी 7,000 आपने बताया, बाकी जो फी होगी वो जी कितनी मुझे देनी पड़ेगी? बाकी आप फीस 6,300 है, वो TCS में जमा करवाना है आपने, 6,000 6,300। जी फाइव ठीक हो थाउजेंड इसमें से एम्बेसी की फीस होती है, और जो 1,300 है ना, 1,300 वो TCS चार्जेस होते हैं। तो ये 6,300 जो है वो आपने एम्बेसी को पे करना है, जहाँ पे जाएंगे ना सबमिट करवाने के लिए, ये आपने उधर पे करना है, जी ठीक है। ठीक हो सेवन गया जी ठीक है थाउजेंड आपने हमें पे करना है, जी ठीक हो गया। मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर देता हूँ, नंबर है चले मेरा। कर दें फिर, ठीक है। थैंक यू आप मुझे जी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट करवा दीजिएगा, ताकि मैं आपकी जी फाइल जल्द से जल्द रेडी करवा दूँ। चलें ठीक है। ओके, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो थैंक मच, यू, ठीक है, ओके अल्लाह सर, हाफिज़। थैंक यू।